20 से 25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जरा सोच रहे हैं भाई, यहाँ पे 1 लाख को रोजगार मिल जाता है तो पूरे देश में हंगामा हो जाता है। हम 20 से 25 लाख लोगों का रोजगार बता रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मनीष कश्यप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिहार में 20 से 30 लाख नौकरियां देने की बात कही है। वहीं बोले हैं बिहार में इसे नौकरी मिल जाए तो सभी बिहार के आदमी सुधर जाएंगे। कैसे देगा 20 से 30 लाख नौकरी मनीष कश्यप, आइए वीडियो में पूरी देखते हैं और जानते हैं मनीष कश्यप किस प्रकार रोजगार के पहाड़ को तोड़ेंगे और रोजगार पूरे बिहार को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो आगे देखते हैं मनीष कश्यप का। 12,000 से 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा ये कम से कम, और मैक्सिमम जो है 25 से 30,000 करोड़ रुपया जा सकता है इसका ये प्रोजेक्ट का। जैसे नर्मदा नदी के पानी को जो है 547 किलोमीटर दूर राजस्थान तक पहुंचा दिया गया, और कच्छ का रण आप जानते होंगे, जो कच्छ का रण पूरा ड्राई रहता है, पूरा रण ड्राई रहता है, वहां पर पहुंचा दिया गया, आगे पहुंचा दिया गया पानी को। वैसे ही 547 किलोमीटर का प्रोजेक्ट हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें तो 100-100 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है। कोसी के पानी को जो है गया पहुंचा दिया जाए, इधर गंडक के पानी को जो है गंगा के इस पार पहुंचा दिया जाए। गंगा के इस पार तो है एक साइड, दक्षिण उत्तर में तो है गंडक का पानी, दक्षिण में पहुंचा दिया जाए गंडक के पानी को। ये सारी चीज़ें, चार नदी सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है, उसमें तीन प्रमुख है, गंडक, बागमती और कोसी। कमला भी एक नदी है, वो भी थोड़ा बहुत तबाही मचाती है, लेकिन गंडक, बागमती और कोसी ये तीनों नदी के पानी को 150 किलोमीटर मतलब कि नदी के बीच से अगर कैनल बना के या पाइप के थ्रू वाटर लिफ्ट करके 150 किलोमीटर दूर एक नदी से गया पहुंचा दिया जाए, एक नदी से औरंगाबाद पहुंचा दिया जाए, एक नदी से रोहतास कैमूर पहुंचा दिया जाए, तो वहां के लोग भी खुशहाल हो जाएंगे। रोहतास में कितना बढ़िया धान होता है, पानी पहुंचा दिया जाए तो और धान होगा, और धान होगा। तो प्लान तो आपका ये अच्छा है, लेकिन कैसे सिस्टम में रहिएगा तब ना ये प्लान आप कर पाइएगा। इस प्लान को पूरा करने के लिए सिस्टम में घुसना पड़े तो मनीष कश्यप सिस्टम में घुसेगा, बस इतना जान जाए। चुनाव लड़िएगा, जो करना होगा करेंगे, लेकिन 5 साल के बाद बिहार में 75% कम बाढ़ आएगा। हाँ, 25% तो बाढ़ जो है अमेरिका में भी आता है, नीदरलैंड जो इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी अपनाया वहां पे भी आता है, जहां पे पहले सबसे ज्यादा बाढ़ आता था। ये चीज है, 25% को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन हमने 75% को कंट्रोल कर दिया, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत होगा। नदी के दोनों साइड डैम बन जाए, बांध बन जाएगा, बांध पे रोड बन जाएगा, वो हाइड्रो पावर प्लांट बन जाएगा। हाइड्रो पावर प्लांट से मतलब नदी के पानी से बिजली बनना शुरू होगा। जब यूपी में बन सकता है हाइड्रो पावर प्लांट, बंगाल में बन सकता है, दूसरे जगह पे बन सकता है, जब महाराष्ट्र में बन सकता है जहां के नदियों में पानी बहुत कम है, तमिलनाडु में बन सकता है जहां के नदी में पानी बहुत कम है। यहां पे तो नदी में पानी भी है और करंट भी है। पानी और करंट का मतलब क्या होता है, करंट मतलब फ्लो का स्पीड, फ्लो का स्पीड भी है। तो जब टर्बाइन को हम लोगों को चलाना होगा, बड़ा बड़ा टर्बाइन को, तो हाई करंट से जब पानी को ऊपर से नीचे हम लोग फॉल करेंगे तो टर्बाइन भी चलेगा। तो ये सारी चीजें 2022 में केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, सर्वे और हुआ, बाद में पता चला कि 18 रुपये टैरिफ आ रहा है बिजली का बिल का जो है टैरिफ, वो 18 रुपये आ रहा है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उस पर बात भी नहीं किया गया। तो बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि उस पर बात नहीं किया, तो केंद्र ने ठंडे में डाल दिया। अब बिहार सरकार बोलता है कि आधा पैसा तुम लगाओ, आधा पैसा हम लगाएंगे, तो केंद्र जो है उसको पूरा करता है। केंद्र तो सर्वे भी करा के रखा है, सुपौल या सहरसा में होने वाला था, मेरे पास पूरा ये है, मैं उसको उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा बिहार के लोगों को। इससे पता है क्या होगा राकेश भाई, 20 से 25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जरा सोच रहे हैं भाई, यहाँ पे 1 लाख को रोजगार मिल जाता है तो पूरे देश में हंगामा हो जाता है। हम 20 से 25 लाख लोगों का रोजगार बता रहे हैं, और यहाँ पे जो रोजगार मिलेगा ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी कहीं नौकर नहीं बनना पड़ेगा, आपका अपना। जैसे रोड बन गया, रोड के बगल में आपने दुकान, हाइड्रो पावर प्लांट बना, उसके बगल में आपने दुकान खोला, रेस्टोरेंट खोला, आपने होटल खोला। हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा तो उसके बगल में वो कंपनी जो है, जो भी कंपनी है, वो स्कूल बनाती है, कॉलेज बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो सकता है। और बिहार में